सर आपने बिल्कुल सही कहा, घुसपैठ फिजिकल भी हो रही है और साइबर में भी हो रही है, और बहुत दिनों से हो रही है। साइबर को तो मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर नहीं करता हूँ। नहीं जैसे जैसे मैं आपसे जरा थोड़ा टेक्निकली डिस्कस करना चाहूंगा। यू हाँ आर जी वन ऑफ द विजार्ड एंड आई एम वेरी श्योर आपकी आपसे चर्चा से मैं निश्चित रूप से लाभान्वित होऊंगा। तो ये मेरी चर्चा कुछ अपने स्वार्थ से प्रेरित है, ठीक है। जी हेलो, हाँ, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो हेलो मुकेश, हेलो 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 हेलो। हेलो, हाँ मुक्तेश, बीच में हाँ आपकी सुन रहा हूँ आवाज, सर, सुन रहा हूँ। अच्छा आवाज आ रही है। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मुक्तेश सर, इससे आई विल बी सर्टेनली बेनिफिटेड। मैं एक खाका खींचू बिफोर जो है ना, देन आई हाँ विल जी हाँ जी बिल्कुल। आस्क यू टू इलाबोरेट, राइट। मेरा खाका ये है कि कोई भी साइबर स्पेस में प्रवेश तब तक नहीं कर सकता है जब तक किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को वो यूज ना करे। जी इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर तो कहीं भी विदेश में कहीं भी बैठा हो सकता है। नहीं, अभी अभी अपन एक बार एक जाते हैं, फिर आप देश विदेश दोनों बातें करेंगे। अभी वन बाय हाँ वन जाएंगे तो अपन जहां हम जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं शायद हम ठीक है, आप आसानी से कहिए पर, पहले। है ना। तो कहीं से भी किसी को भी साइबर स्पेस में घुसने के लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज चाहिए। यू एग्री विद दिस? हाँ जी हाँ जी हाँ अच्छा ठीक है। अब दूसरी बात है कि इस कम्युनिकेशन में पैकेट और वो सब जो सिस्टम होता है, सो देयर इज ऑलरेडी ए सिस्टम ऑफ वोलेटाइल इंफॉर्मेशन, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इसके स्विचेस को बहुत सारी बैक एंड पर कैलकुलेशन करके आपको बेस्ट सर्विसेज देने की कवायद बैक एंड पे इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस करते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? जब एक जगह पे आप खड़े हुए हैं और यदि डायनामिकली दूसरा टावर आपको अच्छी सर्विसेज देने की स्थिति में आता है, तो आपकी टेक्नोलॉजी बिना आपको बॉदर किए, आपकी पोजीशन नहीं बदल रही, आप अपनी जगह पे ही खड़े हुए हैं, आपका टावर बदल जाता है बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है ना कैलकुलेट कि देयर इज अ नियर बाय अदर टावर विच कैन प्रोवाइड यू इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस। डू यू एग्री विद दैट? राइट। हाँ इस सब कार्रवाई में ढेर सारी कैलकुलेशन बैक एंड पे होती है, और वो डाटा के आधार पर ही हम लोकेशन बेस्ड जो है सर्विसेज पैदा कर पाए। डू यू एग्री विद दैट? हाँ जी हाँ जो जी आज लोकेशन बेस्ड सर्विसेज हैं बैक एंड पे, वो उन्हीं कैलकुलेशंस को यूज करके किया गया है, और इसी वोलेटाइल इंफॉर्मेशन में आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और ढेर सारे एड्रेसेस, क्योंकि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन इमिनेट हो रहा है, इट इज ऑलवेज लैंडिंग ऑन द राइट डिवाइस। इसका मतलब है कि उसे आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, हर चीज उसके पास प्रॉपर रहती है, जिससे कि पैकेट इज ऑलवेज लैंडिंग ऑन द राइट प्लेस। राइट। जी सर, जी सर, यू एग्री टू दिस एक्सेप्ट? आप हाँ जी हाँ जी है ना। अब जो है, हम जो अभी चीजें सेव करते हैं जिसको हम सीडीआर या कॉल डिटेल रिपोर्ट कहते हैं, इट इज ए कॉमर्शियली रिजर्विंग सम इंफॉर्मेशन विच वॉज इंटेंटेड टू बिल इस कस्टमर। इस बात से एग्री करते हो? हाँ जी हाँ तो जी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो स्विचेज में है, और उस इंफॉर्मेशन को यदि हम प्रिजर्व कर लें, तो लोकेशनल इवन अदर आइडेंटिटी विथ सर्टेनिटी हर हमारे पास अवेलेबल होगी। टू दिस एक्सटेंट यू एग्री? हाँ, लेकिन यहाँ तक तो अवेलेबल होगी, लेकिन ये तो डाटा बहुत भयंकर, बहुत बहुत सारा डाटा है। नहीं, तो उसको कब तक प्रिजर्व करेंगे, कहाँ तक नहीं प्रिजर्व नहीं करेंगे? नहीं 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 मुकेश, इट इज ए एब्सोल्युटली फॉल्सली क्रिएटेड नोशन। आप इतने ज्यादा वीडियो, इतने ज्यादा चीजें क्रिएट हो रही हैं, विच इज कंज्यूमिंग बिलियंस टाइम मोर मेमोरी। ये तो छोटा सा हाँ डाटा है, इसमें क्या मेमोरी कंज्यूम होना है? आपका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ये एड्रेस, वो एड्रेस रिजर्व करने में इट विल नॉट बी इवन टेकिंग मिनिस्कुल ऑफ द इन्फॉर्मेशन। चलिए कर लिया यदि जी प्रिजर्व। ये इन्फॉर्मेशन इन कंपनियों वालों को अपने बिलिंग के लिए जरूरत होती, तो वो पहले ही प्रिजर्व कर लिए होते। सिर्फ इट वाज नॉट इंटेंडेड, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट डन, राइट।
यदि हम इन दोनों इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर लें तो वी कैन से विद द 200 सर्टेनिटी कि वी विल नो द पर्सन एंड वेयर एग्जैक्टली ही इज, राइट, उसकी लोकेशन कहाँ है हम ये भी कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल नाउ वी कैन हैव ए सम काइंड ऑफ एप विच कुड बी द पार्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, राइट। जहां पे आप जैसे ही किसी चीज को आप सस्पिशियस मानते हैं, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन ए बटन विच विल बी अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन, राइट, एंड इट विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, राइट। यदि हम इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा और स्मार्ट बना दें, थोड़ा सा उसमें एआई डाल दें, तो इट विल बी इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, राइट। तो जैसे उसने आपसे ओटीपी मांगने की कोशिश की, तो वो आपको 2 मिनट में ओटीपी दे देगा, दे देगा कि नहीं दे देगा। मतलब एक फर्जी, एक नकली ओटीपी आपके जो है ना स्क्रीन पर फ्लैश करेगी, एंड उस नकली ओटीपी से जब आप साइबर क्रिमिनल को बताएंगे, तो वो अपने सिर के बाल जो है ना नोचेगा, और आपको वो शुद्ध जो है ना दूसरे कम्युनिकेशन में शुद्ध माँ बहन की गाली देगा। और ऐसा आज भी हो रहा है, जब आप जो है ना इन स्कैमर को जो है ना थोड़ा तो सा डांटते हैं कि तुम मूर्ख बना रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तो वो कई बार इस तरीके की हरकत करके क्विट कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमने एक घटिया पुलिस पैदा की है, जो जिसको ना तो ऑफेंस रजिस्टर करना है, ना ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेट करना है। इट इज नीदर कैपेबल नॉर इट इज इंक्लाइंड टू डू इट। ये अपने इन दुष्ट राजनेताओं जिन्होंने 75 साल से आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, उनकी सेवा में चरण सेवक बनी हुई है, जिसके मिस्टर मुकेश आप और हम दोनों ही हिस्से थे। मतलब मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं भी जो है ना उसी व्यवस्था का हिस्सा था। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू कास्ट एक्सप्रेशन ऑन एनीबडी। हम वी वांट टू ज्वाइंटली शेयर दैट एक्सप्रेशन कि हम लोगों को जो करना चाहिए था हम नहीं किए, प्रोबेबली वी वर बाउंड बाय द कंडक्ट रूल्स एंड अदर थिंग्स। लेकिन ये फैक्ट ये है कि हम बहुत आसानी से एविडेंस एज वेल एज आइडेंटिटी कैप्चर कर सकते हैं, राइट। अब आप ये बताइए, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि भारत का हर व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ? वो तो भारत का हर बराबर है। व्यक्ति, 137 करोड़ पीपल आर द पुलिस ऑफिसर, ये स्टेटमेंट से आप एग्री हैं या मैं इसे नहीं, कुछ ये तो खोल? सभी है सर, ये तो सबको पता है, ये तो हम नहीं नहीं सबसे पता, कहते हैं, शुरू से 100% पुलिस लोगों को नहीं कहते पता है, अधिकांश पुलिस वालों को भी पता नहीं। आए थे। आर्टिकल देखिए, सेक्शन 42 CRPC गिव्स द नॉर्मल पर्सन राइट टू अरेस्ट इवन इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस हाँ जी, हाँ जी, इन टू सिचुएशन। नंबर 1, यदि किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। नंबर 2, इफ ही हैपन टू बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, राइट। जी सर बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 100 IPC गिव्स द अथॉरिटी टू ईच एंड एवरी पर्सन कि 7 सिचुएशन में द पर्सन कैन वॉलंटरली कॉज डेथ, वॉलंटरली, एंड दैट विल नॉट बी मर्डर। हम कितने दुष्ट पुलिस वाले हैं कि जिस इनकाउंटर में हम जिस सेक्शन का खुद को फायदा दे लेते हैं, दूसरा व्यक्ति उतना ही उससे ज्यादा बड़ा काम कर रहा है, आपको तो सैलरी मिल रही है, वो बिना सैलरी के यदि बड़ा काम करता है तो भी हम उसके ऊपर फर्जी 302 का केस लगा देते हैं। हम कितने दुष्ट हैं ये बहुत। और जिनसे हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि दे कैन किल ए पर्सन, उनको हमने उस जॉब के लिए ट्रेंड किया है क्या? देन यू आर हैविंग ए लीगल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एवरी प्राइवेट पर्सन ऑफ इंडिया, देन दैट प्राइवेट पर्सन नीड टू बी एजुकेटेड एंड नीड टू बी प्रिपेयर्ड। व्हाट दिस सिस्टम हैज डन टू प्रिपेयर ईच इंडियंस टू डिस्चार्ज द लीगल ऑब्लिगेशन व्हिच हैज बीन थ्रस्ट अपॉन हिम। बिल्कुल ठीक है सर। तो यदि हम थोड़ी सी स्ट्रेटेजी रिफाइन करें और ये एविडेंस बगल में भेज दें, तो जो क्राइम फ्री भारत का सोच है कि बिना थाने जाए FIR दर्ज हो, और आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बेटर FIR होगी, जो कि पुलिस के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगेगा, और इट विल बी 1000 टाइम मोर। और आपको ज्यादा पुलिस वाले भी नहीं चाहिए, अरेस्ट करने का जो है एविडेंस आप डायनेमिकली क्राउड सोर्सिंग से भी कंट्रोल कर लीजिए, पुलिस से भी कर लीजिए, जो जिससे काम आसानी से हो सकता है कराइए। 3 से 7 दिन, अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो, और अरेस्ट करने के लिए पुलिस की क्यों जरूरत है?
बिल्कुल और ठीक जो है, व्यक्ति जो काम करे उसे एक अच्छी सी रेवेन्यू स्ट्रीम दे दीजिए, तो वो दौड़ के काम करेगा, वो बेकार ही नहीं कर रहा है। अब बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल सर, यदि बिल्कुल यदि हम थोड़ा सा रूल को रिफाइन कर दें, हम फरियादी को, देखिए अल्टीमेटली एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस इज नॉट क्राइम अगेंस्ट द विक्टिम, इट इज क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। तो जो जी विक्टिम रिपोर्ट कर रहा है, वेदर ही इज हेल्पिंग सिस्टम टू टेक द इट्स ऑन कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल क्या हम उसको एक रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं दे सकते? तो जो हम ढेर सारे जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पैदा कर सकते हैं, जो अपना काम करते रहे और इस काम को भी जाएं, उनके पास जो है ना, और दे विल गेट ए गुड रेवेन्यू स्ट्रीम। जो बिल्कुल लोग सही अरेस्ट बात करने जा रहे हैं, दे विल गेट रेवेन्यू स्ट्रीम। और हम लॉ में थोड़ा सा चेंज करके सिर्फ इतना ही करना है कि देर विल बी टू कंपोनेंट ऑफ द पनिशमेंट। पहला कंपोनेंट होगा से इम्प्रिजनमेंट, एंड सेकेंड कंपोनेंट वुड बी द फाइनेंशियल कंपोनेंट, एंड दिस कंपोनेंट वुड बी कैलकुलेटेड कंपोनेंट, राइट? तो हम जितनी भी रेवेन्यू स्ट्रीम बांटेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम पुलिस वालों से लेके सभी लोगों को एक बेसिक पे देंगे केवल, और बाकी जो है ना उन्हें सैलरी मिलेगी थ्रू द रेवेन्यू स्ट्रीम, द वर्क दे विल बी परफॉर्मिंग। तो हर किसी को जो है ना आउटपुट देने के लिए एक मॉडल मिल जाएगा, और जज से लेकर डिफेंस लॉयर से लेकर हर किसी को हम रेवेन्यू स्ट्रीम बांट देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना रेवेन्यू सरकार के लिए पैदा हो जाएगा कि जो आज सरकार पैदा नहीं कर पा रही, उससे 20 गुना जो है ना केवल क्राइम फ्री भारत का मॉडल उससे पैदा कर देगा। और हम इन साइबर क्रिमिनल्स पर, बताओ जैसे जिसने ये डीप जो है ना फेक वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और डार्क वेबसाइट बनाई हुई हैं, इसको एक अच्छे कानून के तहत जो है ना हम वो करके प्रोएक्टिवली इनको ब्लॉकिंग की कार्रवाई करें, उनको जेल भेजने की कार्रवाई करें, वो स्कैम जी करने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल एक लचर व्यवस्था, नाउ इस बैकग्राउंड जो है ना इंफॉर्मेशन के साथ, नाउ आई वुड रियली रिक्वेस्ट फॉर योर कंसिडर्ड व्यू कि कितने हद तक आप मेरी बात को ठीक समझ रहे हैं, और यू 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 वुड लाइक टू सपोर्ट, एंड व्हाट लाइक टू द से वैल्यू इनपुट यू वुड लाइक टू गिव। नहीं सर, आपने जो कहा है उसमें कोई दो राय किसी की हो ही नहीं सकती। सिर्फ एक ही चीज पे मेरा वो है रिजर्वेशन, कि आप किसी की, अभी जैसे प्राइवेसी का जमाना है आजकल, तो जब प्राइवेसी का लॉ भी आ जाएगा तो कितना डाटा कोई रिटेन करेगा, क्यों रिटेन करेगा, हम ये ये सब कह उस रहे पे हैं परिवेश में आएगा। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन मुक्तेश, की हमने इसके लिए एक ड्राफ्ट लॉ जो है सितंबर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है एज ए पार्ट ऑफ माय नेशनल पुलिस मिशन, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, राइट? और ये सितंबर 2020 में भेजा था, हमने जानबूझ के उसका नाम बड़ा लंबा रखा था और उसका निकनेम डिजिटल चित्रगुप्त दिया था। उसका लंबा नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लिस्ट 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? और इसका निक नेम हमने डिजिटल चित्रगुप्त रखा था, और इसके तो 5 से 7 ऑब्जेक्टिव थे। उसमें एक ऑब्जेक्टिव था गारंटिंग द राइट टू प्राइवेसी, बट द राइट टू प्राइवेसी इज लिमिटेड बाय योर कंडक्ट। यदि आप क्राइम कमिट करोगे तो वही सिस्टम, वही डिजिटल चित्रगुप्त आपका जो है ना बिना थाने जाए FIR दर्ज कर देगा, सभी इविडेंस दे देगा। वाई यू नीड ए प्राइवेसी? भगवान से आपको प्राइवेसी है क्या? भगवान का जो चित्रगुप्त है उसके पास तो आपकी हर वीडियो क्लिप रहती है, और वो भी आपकी वीडियो क्लिप जो है ना आपकी बीवी से शेयर नहीं करता है। तो हैविंग द इंफॉर्मेशन फॉर द गुड कॉज, इट इज ए गॉडली एट्रीब्यूट। और ये जो कानून बना रहे हैं ये तो तो आप तो दुस्साहस की नया है। बना रहे हैं ना सर, आप जो नहीं, आपका जो है वो अरे पता वो नहीं बदल कैसे देंगे, से। वो बदल दें। देखिए आप कानून की जहां तक बात करें तो ये कानून तो शुद्ध दुष्टता है ना। अब देखिए, तो अरे इन्हें ले आए ना, ड्राफ्ट सर्कुलेट हो गया है। छोड़ो यार, ये सब बदले जा सकते हैं, हाँ की जीत हुई ना की हार अच्छा हुई, इतनी अच्छा देर में कानून बदल जाएगा? कानून क्या होता है हाँ तो ये तो बदल इतने पाइए दुष्ट, सब बढ़िया। देखिए देखिए ये इतने दुष्ट लोग हैं। आप ये बताइए 1991 में नरसिम्हा राव की कॉलिशन बैसाखी पे जो ना गवर्नमेंट थी वो एक घृणित कानून लाया जिसका नाम है बर्से प्लेसेस एक्ट 1991। उसके सेक्शन 4 में आपसे जो है न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया। ये तो दुष्ट लोग हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी जो है ना ये क्या कर रहे हैं, इनके पास मेजोरिटी है अब ना लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी है, एक एक प्रस्ताव लाना है उतना ही करना है उसको, हाँ की जीत हुई ना की हार हुई।
तो ये राजनेता दुष्ट हैं। अच्छा मुकेश से मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे जवन हम्बल सबमिशन ये बताइए, आज आपके ऊपर अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, कुंठित करने के लिए, हीन भावना निर्मित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, आजादी के 75 वर्ष के बाद वो सभी नियम कानून आपके ऊपर थुपे हुए हैं क्या या नहीं है? बिल्कुल जो व्यवस्था जो है अंग्रेजों ने आपके ऊपर जो है ना शासन प्रशासन करने के लिए बनाई थी, वो दुष्ट व्यवस्था जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने के बाद भी उन्हें खुल्लम खुल्ला फांसी पे चढ़ा देती थी, न्याय का हाँ, नाटक अभी भी करते काफी थे। हद तक चल ही रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, तो ये राजनीतिक दुष्टता नहीं है। हमें स्वतंत्र होने के बाद हमें अपने न्याय व्यवस्था लाना चाहिए, हमें अपने तरीके के कानून लाना चाहिए, हमें अपना इकोसिस्टम लाना चाहिए। हम तो इतने गिरे हुए लोग हैं कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे ब्यूरोक्रेट को ये बाहरी शक्तियां, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जो है ना बाहरी गवर्नमेंट, वो टारगेट करती हैं, आपको सेमिनार के लिए बुलाती हैं, आपको जो है ना 8-10 दिन की वो बात आपको जो है ना थोपती हैं जो उनके कॉमर्शियल इंटरेस्ट की है, फिर आपसे कहते हैं कि आप आर्टिकल लिखो, एक आपने आर्टिकल लिख दिया, उसे टॉप मैगजीन में छपवाने की जिम्मेवारी भी उनकी, और आपको एक अवार्ड दे देती है, आपको सेलिब्रिटी बना देती है, और फिर आपके मुंह से वो सब काम करती कराती है जो उनके इंटरेस्ट को सूट करता है। आर वी नॉट फॉलोइंग इन दैट दिस डिजाइन ऑफ द फॉरेन पावर्स? बिल्कुल मुझे सर, लगता बिल्कुल है सही हम और आप आप कही। सभी इस डिजाइन में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी कर रहे हैं कि चलो यार बाहर ट्रेनिंग में जा रहे हैं, चलो घूमने को मिल रहा है। डू वी हैव द सटल इम्प्रेशन कि व्हाट इज द इंट्रिकेट इनसाइड डिजाइन विच इज रियली टारगेटिंग दिस कंट्री? सर बिल्कुल कहिए सर, मैं आपके साथ हूँ। नहीं, थोड़ा सा ये मैं बहुत बहुत बड़े जो है ना इसमें उठा रहा हूं, वेदर यू फील इन एग्रीमेंट विथ मी और नॉट, आई वॉन्ट टू रियली नो दैट। नहीं सर, मैं तो आपके एग्रीमेंट में हूँ सर। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ मैंने एक एक मैं मुद्दे की बात बता दूं मुकेश, जी सर, मैंने एक प्रण किया है 2024 में, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर दूंगा यदि मुझे मुकेश जैसे व्यक्ति मिल जाए तो, सर और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। के साथ इसका है पूरा सर, ताना मैं वाना बन चुका, पांच बढ़िया पैसे सर, खर्च बढ़िया। नहीं करूंगा मैं। और इनकी जो जो चार चार पांच पांच छह छह बार से जो ना जो मंत्री है सांसद है, वो उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, इतना पावरफुल मॉडल है। केवल देखो यार हमारे में से जो है ना हम लोग का खून का डीएनए खराब हो गया है साला। हम लोग जो है ना इनकी जो है ना ये हजूरी करते हुए हम बड़ा सोचने की हिम्मत खो दी है, बिल्कुल सही बात है हम सर, इनके चरण सेवक बन गए हैं। इनकी क्या शिक्षा है, क्या सोच है, इनकी औकात क्या है यार? ये तो साले अपने कार्यकर्ताओं के सगे नहीं है, रोज उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आज मुझे बताइए क्या कोई राजनेता बिना कार्यकर्ताओं के राजनेता बन सकता है क्या? सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सर। नहीं बन सकता है। और ये उन्हीं कार्यकर्ताओं जिनके कारण जिन्होंने इनके लिए जुलूस दिया, धरना दिया, इनके लिए डंडे भी खाए, इनके लिए आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी की, इनको जो है ना पोलिंग बूथ पर ड्यूटी की, ये उन्हीं को नजरअंदाज करके अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को और अपने आकाओं के बच्चों को टिकट बांट रहे हैं, और अच्छे व्यक्ति को टिकट ना देना तो इनके प्रण का हिस्सा है तभी तो मुकेश। चलते रहेंगे, सर्वाइव तो तभी कर रहे हैं ये लोग। तो इसलिए तो हम एक मॉडल लेके आए कि सर्वाइव ही नहीं करेंगे, बस आप जैसे और हम बढ़िया जैसे सर, ठीक लोग जो है ना जुड़ जाएं। है सर, आप तो बताइएगा आप। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, एक क्राइम फ्री हाँ भारत जी मिशन के ऐप की लिंक है, और एक हमारा वो भी मैं आपको वीडियो तो भेजता ही रहता हूँ, एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल भी है, तो हाँ उसमें 2100 से ज्यादा वीडियोज हैं जिसमें हमने 21 ऑब्जेक्टिव को हम कैसे हासिल करेंगे, और सबसे पहले तो जो है इन दिग्गज नेताओं को, सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को एक सेकंड, 2024 में है? हाँ वो मैंने बता दिया, वो मैंने वहां से बात कर ली, और डिटेल्स जितनी अवेलेबल हैं अभी और डिटेल आ जाएगी, देर साथ ही हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, उसके पीछे कुछ तो है, देर इज रीजन। हाँ सर, मैं करता हूँ आपसे बात थोड़ी चलिए तो मैं देर में। आपको हाँ लिंक तो भेज ही देता हूँ, अपन जुड़ जाते हैं, बाकी बातें अपन करते हाँ रहे, जी, ठीक ठीक है सर, है ठीक ना? है सर, चलिए, जय चलिए, हिंद, जय भारत, वंदे राइट मातरम। सर, राइट।